दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर की सब्जी। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड, अपनी तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की। तो देखिए दोस्तों, मैंने 1 किलो करीब पनीर लिया है, तो उसमें मैं 7-8 बड़े साइज के टमाटर डालूंगी। और ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे जिनको पतला काट लिया है। और ये मैंने हरी मिर्ची ली है स्वाद अनुसार, तो मैंने 10-12 हरी मिर्ची ली है। तो आप जैसा कम ज़्यादा तीखा खाते हैं उस हिसाब से अपनी हरी मिर्ची लीजिएगा। और ये मटर है जिनको मैंने उबाल लिया है, उबाल करके धुल के रख लिया है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम प्याज और मिर्ची को मिक्सी से बिल्कुल बारीक पीसेंगे, उसके बाद टमाटर को भी एकदम बारीक प्योरी बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्याज और मिर्ची को अच्छे से पीस लिया है एकदम बारीक, और टमाटर को भी एकदम बारीक मिक्सी से पीस लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अपनी कढ़ाई गरम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा गरम हो रहा है, अब हम इसमें पनीर फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तेल हमारा गरम हो गया है और मैंने पनीर डाल दिया फ्राई होने के लिए। तो हम बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो देखिए दोस्तों, मेरा पनीर लगभग फ्राई हो गया है। तो अगर आप चाहें तो अपना पनीर अपनी सब्जी में बिना फ्राई किए हुए ऐड कर सकते हैं। आप जैसा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से अपने पनीर डालिएगा। तो मैं हल्का सा फ्राई करके डाल रही हूँ अपनी सब्जी में। तो देखिए फ्रेंड, हमारा फ्राई हो गया है पनीर। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा पनीर। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा ज़्यादा था तो मैंने तेल थोड़ा कम कर लिया है जितनी हमें सब्जी में ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल इसमें रखा है। तो अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ता। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे 4-5 तेज पत्ते लिए हैं। चार पांच लिए हैं मैंने लौंग है, और 4 ही 5 लिए हैं काली मिर्च, और 2 छोटे से पीस लिए हैं दालचीनी के। तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। देखिए, अच्छे से भुन जाने देंगे इनको। तो देखिए, अच्छे से भुन गए हैं हमारे। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो 1/4 चम्मच इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। तो देखिए, खड़े मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो हम इसमें डाल देंगे प्याज और मिर्ची का पेस्ट। अच्छे से भूनने देंगे हम प्याज और मिर्ची के पेस्ट को। जब हमारा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने 1 कप पानी लिया है इसमें कटोरी में। तो अब मैं इस पानी में डालूंगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी स्वाद अनुसार। आप जैसा कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से अपनी लाल मिर्च डालिए। अब मैं इसको अच्छे से मिला करके साइड में रख दूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारा प्याज और मिर्ची का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अपना अदरक भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अगर अदरक थोड़ा सा डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने मसाले हम इसमें डालते हैं जो हमने अभी घोल के रखे थे। अब वो हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। सब्जी बनाने से पहले अगर 5 मिनट आप ये मसाले अगर घोल के रख देंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे धीमे धीमे चलाते हुए अपने मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। जब ये तेल छोड़ने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर।
जो हमने पीस के रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल छोड़ने लगा है, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आप जैसा नमक खाते हैं उसी हिसाब से अपना नमक डालिएगा। देखिए दोस्तों ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, तेल भी छोड़ने लगी है। तो जब आपकी ग्रेवी तेल छोड़ने लगे आप तभी इसमें मटर डालें। तो देखिए फ्रेंड हमारी ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार है, अच्छे से फ्राई हो गई है और तेल भी छोड़ने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने मटर। अच्छे से मिला लेंगे मटर डाल के। अब हम डालेंगे फ्रेंड इसमें थोड़ा सा पानी। उबाल आने तक हम इसको पकने देंगे, हम इसको ढककर के रख देंगे ऐसे। अब इसको उबाल आने तक हम इसको पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना पनीर। तो उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड अच्छे से उबाल भी आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर। तो देखिए फ्रेंड सब्जी हमारी बिल्कुल लगभग रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ताजा दही। तो आप चाहें तो इसमें ताजा दही, अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें, आप जो चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें ताजा दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद फ्रेंड आपको चलाना है, अच्छे से चलाइएगा जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, तब तक आप ऐसे चलाते रहना है आपको। तो देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बनकर के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे। हमारी पनीर की सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो आप भी फ्रेंड बनाइएगा जरूर, खाने में बहुत टेस्टी होती है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे, इसलिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।